मम्मी क्या ये पूरा दिन प्रवचन सुनते रहते हो? बेटा ये महाराज जी ना बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, इनके प्रवचन ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी आपको तो पता है एक हफ्ते बाद मेरे भाई की शादी है और मेरी ना दोनों बहनें पहुंच गई हैं मम्मी के घर, तो वो मुझे फोन कर करके बुला रही हैं। अगर आप बोलो तो मैं भी चली जाऊं। बहू तू तो पहले कह रही थी कि अपने भाई की शादी में दो दिन पहले जाऊंगी, अब तू कह रही है एक हफ्ते पहले जाऊंगी। मम्मी जी जाना तो मुझे दो दिन पहले ही था, अब मेरी दोनों बहनें ना ऑफिस से छुट्टी लेके आ गई हैं और वैसे भी मेरा इकलौता भाई है, शादी कोई बार बार थोड़ी ना आती है। अब सारी बहनें मिलेंगी तो घर में रौनक हो जाएगी और शादी भी इंजॉय कर लेंगे। बहू तू तो अपने भाई की शादी में इंजॉय कर लेगी, पीछे से ध्यान मेरा कौन रखेगा? मुझे कुछ नहीं पता, दो दिन पहले जाना। मम्मी जी प्लीज आप मुझे मना मत करो, मुझे जाने दो। राजीव आप बोलो ना मम्मी को। मम्मी क्यों आप जिद पकड़ के बैठे हो? डॉली अपने भाई की शादी में एक हफ्ता पहले जाना चाहती है, तो जाने दो, कौन सा उसके भाई की शादी बार बार आ रही है, सारे आए हैं, एंजॉय कर लेगी। और रही बात मम्मी आपका ध्यान रखने की, तो मैं तो हूँ ही। तू अपनी बीवी की तरफदारी ज्यादा मत किया कर, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बहू कान खोल के सुन ले, तू अपनी भाई की शादी में ना दो दिन पहले जाएगी। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपको ठीक लगे। मम्मी वैसे आज आपने डॉली के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बेचारी कितने मन से आई थी आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपने उसके मुंह पर ही मना कर दिया। बेटा तुझे अभी ज्यादा समझ नहीं है, जा तो रही है दो दिन पहले अपने भाई की शादी में, उतना ही बहुत होता है। मम्मी एक बहन के बहुत अरमान होते हैं अपनी भाई की शादी को लेकर, अब रेनू भी तो मेरी शादी में 10 दिन पहले आ गई थी। बेटा घुमा फिरा के सारी बातें मेरी बेटी के ऊपर क्यों लेके आता है, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, अब दोबारा मेरे से मत पूछना। अच्छा हुआ रेनू बेटा तू जागरण में दो दिन पहले आ गई, मैंने पिंकी को सीमा को उन सब लोगों को भी बोल दिया है कि वो भी आती होंगी। अरे मम्मी मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जागरण में आने के लिए। एक्साइटमेंट तो ठीक है रेनू, एक बात बता जागरण में दो दिन पहले कौन आ जाता है, और तेरी सास ने तुझे आने दिया? भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जागरण कौन से रोज रोज होता है, और मेरी सास क्यों मना करेगी मुझे आने के लिए, मैं तो अपनी सास से पूछ कर ही आई हूँ। पूछ कर आई हूँ? रेनू बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है तेरी सास ना समझदार नहीं है, अगर वो समझदार होती ना तो तुझे दो दिन पहले नहीं भेजती जागरण में। बहू तू रेनू से किस तरह से बातें कर रही है, दो दिन पहले नहीं आती तो जागरण में उसी दिन आती क्या मेहमानों की तरह? अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, जब मैं अपने इकलौते भाई की शादी में मेहमानों की तरह दो दिन पहले जा सकती हूँ, तो रेनू जागरण वाले दिन मेहमानों की तरह क्यों नहीं आ सकती है? भाभी मैं इस घर में कोई मेहमान नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ, और घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना तो बहन बेटे टाइम के टाइम नहीं आती, दो चार दिन पहले आती है। हाँ रेनू तू बिल्कुल सही कह रही है, घर में कोई बड़ा प्रोग्राम हो या बड़ी कोई खुशखबरी हो ना तो घर की बहन बेटियाँ सबसे पहले पहुँचती हैं और 3-4 दिन पहले पहुँचती हैं। एक बात बता जब तेरे भाई की शादी थी तू भी तो 10 दिन पहले इस घर में आ गई थी ना। मम्मी जी से पूछो, मेरे इकलौते भाई की शादी थी, मैंने मम्मी जी से रिक्वेस्ट करी कि मेरे भाई की शादी में एक हफ्ते पहले मुझे जाने दो, पर मम्मी जी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। मम्मी जी ने मुझे यही बोला कि एक हफ्ते पहले कौन जाता है, मैं सिर्फ 2 दिन पहले अपने भाई की शादी में गई हूँ। क्या भाभी मम्मी ने आपके साथ ऐसा किया? मम्मी ये तो आपकी बहुत ही गलत बात है, देखो मम्मी बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, अभी के अभी आपको भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं रेनू ऐसे मत बोल, मम्मी जी उम्र में मेरे से बहुत बड़ी हैं, मम्मी जी मुझसे माफी मांगेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बस मम्मी जी से इतना ही कहना चाहती हूँ, कभी भी मम्मी जी को अपनी बहू और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। तू सही कह रही है बहू, बेटी और बहू में मुझे फर्क नहीं करना चाहिए था बहू, लेकिन मैं तेरे से वादा कर रही हूँ मैं तुझे आज से शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी।